उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग। आपको बताते चले, यादव उद्यान समिति भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र यादव और संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव यादव के नेतृत्व में सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग करते हुए भारत सरकार को संबोधित उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव यादव ने बताया कि भारतीय सेना में पहले से ही जाट रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, सिख रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट आदि रेजिमेंट देश हित में सेवाएं दे रही है। वैसे यादव समाज की मांग की है कि सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। मेरा नाम सत्येंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव उत्थान समिति। पूरे भारत में यादव समाज के द्वारा अहिर रेजिमेंट गठन के लिए वृहद स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज यादव उत्थान समिति के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला अधिकारी बरेली के माध्यम से रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द सेवा में सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अगर जल्द से जल्द सरकार सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं करती है तो हम सरकार के विरुद्ध रोड पर उतरेंगे और जन जन तक जाएंगे और अपने समाज को जगाएंगे कि हम सरकार का हर स्तर तक विरोध करेंगे जब तक कि सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण नहीं हो जाता। जिलाध्यक्ष अखिल भारत सुरेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष अखिल भारत प्रसी यादव महासभा। क्या मांग करते हैं आप? हमारी राष्ट्रीय स्तर पर दो ही मांगे चल रही है, पहला अहिर रेजिमेंट और दूसरा जातिगत जनगणना। हर जगह जितनी जिसकी जातिवाद के हिसाब से जितनी संख्या है उस हिसाब से हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और अहिर रेजिमेंट एक बहुत बड़ा अन्याय है हमारे यादव समाज के साथ, जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला, सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होने वाला हमारा यादव समाज है और उसके लिए रेजिमेंट से वंचित किया गया। ये लड़ाई आज से नहीं, बरसों से चली आ रही है और हम लोग जब तक लड़ते रहेंगे जब तक इसको हमारी पूरी नहीं हो जाएगी। अहिर रेजिमेंट राष्ट्र स्तर पे हमारी मांगे चल रही है। मैं गौरव यादव, जिला बरेली से, संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा का जिला अध्यक्ष और मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यादव उत्थान समिति के सत्येंद्र यादव इलाहाबाद न्यायालय के हाईकोर्ट और हमारे सुरेंद्र यादव अखिल भारतीय के महासभा जिला अध्यक्ष जी। हमारी मांग बस यही है भारत में बैठी गूंगी बहरी सरकार से, सभी जातियों पे रेजिमेंट है पर हमारी यादव रेजिमेंट क्यों नहीं है? कोई भी युद्ध उठाकर देखिए, जंगला युद्ध, कारगिल युद्ध, 1962 में युद्ध हमारे मेजर योगेंद्र यादव सिंह ने 17 गोलियां खाई थी सीनों पे, तभी कारगिल झंडा लहरा रहा था। हम ही देश में बैठी गूंगी बहरी सरकार को यही बताना चाह रहे हैं, हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुनी जाए। अगर अच्छा मांग नहीं सुनी जाती है तो इस आने वाली तारीख को हम डिसाइड करके सभी यादव समाज इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे SDM महोदय साहब को विज्ञापन दिया है, यादव उत्थान समिति के द्वारा विज्ञापन दिया गया है। हमारी जिलाधिकारी महोदय, SDM महोदय साहब, ये ऊपर तक हमारा ये पत्र जाए और बैठी गूंगी मेरी सरकार को हमारी आवाज सुनने को कष्ट करे।